तो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि इस समय भारत और कतर के रिश्ते काफी ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं, क्योंकि कतर ने भारत के इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स को बिना किसी सबूत के ही फांसी की सजा सुना दी है। अब इसके बाद भारत तो पूरा प्रयास कर रहा है कि हमारे इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को कतर से सही सलामत वापस लाया जाए, परंतु इसी बीच कतर की एक बहुत ही बड़ी चोरी भारत के अंदर पकड़ी गई है, जिसके बाद भारत एक्शन में आ चुका है। दरअसल अभी आप सभी को पता है कि कतर एयरलाइंस के जो जहाज हैं वो भारत के अंदर आते हैं, भारत की सेवाओं का आनंद लेते हैं और यहां से चले जाते हैं, और यहां से क्रू चार्ज, ईंधन और इसके अलावा एयरलाइंस रीस की लेंटर का जो चार्ज है वो भारत को कतर की तरफ से जब पे किया जाता है, तो भारत के अंदर जो कतर की कंपनी है वो इसको पे नहीं करती है, इसको डायरेक्ट कतर एयरलाइंस के हेडक्वार्टर से पे किया जाता है। अब ऐसा करने से होता क्या है कि यदि कतर एयरलाइंस की इंडियन कंपनी इस पेमेंट को पे करती तो भारत को इस पर जीएसटी मिलता, परंतु जो कतर का हेडक्वार्टर इस पेमेंट को पे करता है उससे भारत का जीएसटी बच जाता है, और इस प्रकार से कतर ने भारत के यहाँ से जीएसटी टैक्स की चोरी करी है। और यह चोरी कोई छोटी मोटी नहीं है, $7 बिलियन या लगभग 57,000 करोड़ की चोरी 2020 से 2023 के बीच में हुई है, और इसी के बाद भारत सरकार एक्शन में आई है और कतर एयरवेज के साथ साथ सऊदी एयरलाइंस, ओमान एयरलाइंस, एमरेट एयरलाइंस और यहां तक कि अन्य जो खाड़ी देश की एयरलाइंस हैं उनके ऊपर भारत सरकार की तरफ से छापेमारी स्टार्ट कर दी गई है। और इसके ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो कि भारत जीएसटी के चोरी के बाद कतर एयरलाइंस के साथ कई पर जबरदस्त एक्शन ले रहा है।